अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तमाम ओल्ड क्रेस्ट इंडियन को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने इस स्कूल में 37 इयर्स जॉब की है। ये आप लोगों की दुआओं का असर है या अल्लाह ताला ने मुझे इतनी मोहलत दे दी कि अब रिटायरमेंट के बाद भी उसने मुझे मौका दिया इबादत करने का। हर वक्त अल्लाह को याद करना, दुरूशी पढ़ना, ये मेरा मशगूला है। तो बच्चों, मेरा नाम मिस जरी है, वो तो आप सबको पता होगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैंने कैसे टाइम आपके लिए गुजारा है। और मैं अब तक आप लोगों के लिए दुआएं कर रही हूँ कि या अल्लाह इन बच्चों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, सेहत तंदुरुस्ती से रख और इनके मुस्तकबिल को अच्छे से अच्छा कर। बस मैंने आपको ये बताना थोड़ा सा कि मैं इस स्कूल में कैसे एंटर हुई। फिजिकल कॉलेज वालों से, इस क्रेसेंट स्कूल वालों की हेड मिस्ट्रेस ने, मिसेस खान ने, कोई एक बच्ची मांगी कि आप एक बच्ची दे दीजिए ताकि हम अपने स्कूल के लिए स्पोर्ट्स में उसको एंटर करें। तो उन्होंने उठा के मेरा नाम दे दिया। मैं यहाँ आई, मैंने देखा बहुत बड़ा स्कूल है, दाढ़ी मूछों वाले बच्चे हैं और मैं बस डर गई। पहले दिन तो बहुत घबरा गई। अंदर गई तो मिसेस खान से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे साथ माँ जैसा सलूक किया जैसे माएँ सलूक करती हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने रखा। अपने साथ साथ उन्होंने रखा। प्रिंसिपल साहब हमारे बहुत अच्छे थे, मोइनुद्दीन साहब, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से स्कूल को चला रहे थे और पंक्चुअल थे, बस के पाबंद, कभी किसी टीचर को लेट नहीं दखल नहीं देते। और मेरा भी रिकॉर्ड था कि मैंने तो 2.5 साल पहले कोई छुट्टी नहीं की, पहले जो 2.5 साल थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ज़िंदगी दी और टाइम दिया और अच्छे लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा। मेरे स्टाफ मेंबर ऐसे थे जैसे मेरे घर के सारे लोग होते, मेरे बच्चे ऐसे थे जैसे मेरे अपने बच्चे होते। मैं उन बच्चों को आज भी याद करती हूँ और उनके लिए दुआ दूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको इन्वाइट करे, ओल्ड क्रेसेंट एरियन जैसे सोसाइटी बनी हुई है, तो आप इनके लिए मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर अटेंड करें और मेरे लिए भी दुआ करें।